नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। राजधानी रांची के इटकी थाना क्षेत्र में आदिवासी नाबालिग से 6 नाबालिग आरोपियों ने बलात्कार किया। नाबालिग के साथ उसके दोस्तों ने ही बलात्कार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर बाल संरक्षण गृह भेज दिया। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, रांची के इटकी में एक नाबालिग आदिवासी युवती के साथ 6 दरिंदों ने दुष्कर्म किया। इस विभत्स घटना से मन अत्यंत व्यथित है। झारखंड की आदिवासी महिलाओं के लिए हेमंत की सरकार अभिशाप बन चुकी है। लगातार हो रहे बलात्कार की घटना से राज्य की महिलाओं के बीच असुरक्षा की भावना पनप रही है, जबकि झारखंड पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में फिसड्डी हो गई है। जिला प्रशासन अतिशीघ्र पीड़िता के बेहतर उपचार की व्यवस्था करे। इस मामले में पीड़िता ने दर्ज बयान में बताया कि रविवार की सुबह 6 बजे इटकी स्टेशन से ट्रेन पकड़कर 4 दोस्तों के साथ वह लोहरदगा गई थी। 2 बजे वहां से लौटी और शाम 5:30 बजे एक आरोपी ने अपने साथी को फोन कर बुलाया। सभी उसके साथ घूमने की बात कहकर स्कूटी पर बैठाकर इटकी मोड़ होते हुए एक बैर पेड़ के नीचे मंडुआ लगी फसल वाले खेत में ले गए। रात 10 बजे एक और आरोपी वहां पहुंचा। इसके बाद सभी लोगों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। सभी आरोपियों ने मेरे साथ तब तक दुष्कर्म किया जब तक मैं बेहोश नहीं हो गई। मुझे मना समझकर सभी आरोपी फरार हो गए। रात में जब मुझे होश आया तब पैदल चलकर सुबह 5 बजे इटकी थाना पहुंची और पूरे घटना की जानकारी दी। पुलिस कुछ ही घंटे में सभी आरोपियों को पकड़ लिया। छापेमारी में थाना प्रभारी अमित प्रशांत कुमार, ASI अनवल खान सहित सशस्त्र बल सहित अन्य पुलिस अधिकारी शामिल थे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।